हाय एवरीवन, वेलकम रोडिस्टर जीके क्लासेस। तो वीडियो काफी छोटी सी है बट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सीटेट देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आगे आने वाले समय में जो भी एग्जाम्स होंगे उसके लिए आपके पास सीटेट के कितने मार्क्स होने चाहिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं और पूछते भी हैं कि उनका जो है 82 मार्क्स है ऑलरेडी, वो पास हैं, क्या वो दिल्ली वाली वैकेंसीज भर सकते हैं, क्या वो बीपीएससी तैयारी भर सकते हैं, प्लस जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स है उससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन है, ताकि एक मोटिवेशन भी बना रहेगा। प्लस इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए 2025 में आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिल सकती है अगर आपका सीटेट पास हो जाता है तो, अदरवाइज वही बाद में रिग्रेट होगा, फिर आपको जुलाई का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए भी पूछते रहते हैं, तो देखिए आप टेस्ट बुक पे ले सकते हो। टेस्ट बुक पे एक चीज बढ़िया है कि एक बार में आपको हर एक एग्जाम का मिल जाएगा। जैसे किताब खरीदेंगे तो आप किसी एक ही एग्जाम का खरीदेंगे, बट टेस्ट बुक में अभी 608 का जो पास प्रो चल रहा है, जीकेसी कोड यूज कर लीजिएगा, सारी डिटेल्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। तो वहां पर आपको सीटेट के साथ साथ हर एक एग्जाम का मिलेगा, सीटेट, बीपीएससी, केवीएस, DSSSB। तो आप एक बार में पैसे आपने लगाए और आपने उसका यूज किया है अलग अलग एग्जाम में, तो इसलिए अच्छा है, आंसर भी सही है। देखिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी आपका सीटेट के लिए आपको PYQs करने हैं तो वो आपको डेली करना है, बट इसके बाद जो है आपको, जैसे आपका DSSSB है उसकी वैकेंसीज मार्च तक है, KVS वाला इसी साल के लास्ट तक आपको मिलेगा, NVS हो गया, EMRS हो गया, BPSC TRE 4 हो गया। तो अगर आप बीपीएससी में जाना चाहते हैं और दिल्ली वाले एग्जाम में जाना चाहते हैं तो आपके पास 90 होना चाहिए किसी भी कैटेगरी से हैं, ठीक है। केवीएस में तो आपकी कैटेगरी वाली चल जाती है, एनवीएस में भी चल जाती है, बट बीपीएससी और दिल्ली वाली वैकेंसीज में आपका 90 होना चाहिए। भले से आप SC ST हैं, आप OBC में आते हैं, बट आपको 90 चाहिए। ये तो अभी पता ही चल चुका है TRE 3 में ही, उसके पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को बाहर किया गया जिनके नंबर कम थे सीटेट में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और सोशल साइंस की सीटेट की डेली क्लासेस होती हैं, दो दिन तबीयत नहीं सही था, गला भी एकदम बैठा हुआ है, तो इस वजह से क्लास नहीं हो पा रही है, बट क्लासेस डेली होती हैं। और आप सोशल साइंस के मेरे नोट्स लेके अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो, पढ़ाई में देखो बीच में कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए कि आपका किसी क्लास या किसी मटेरियल की वजह से नहीं हो रहा है, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे है। अगर आप सोशल साइंस का पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप मैसेज करके ले सकते हो। बस मैं इतना बोलना चाहूंगी कि ये सीटेट आपका लास्ट मानकर तैयारी करना, क्योंकि अगर ये सीटेट पास होता है तो आप अलग अलग एग्जाम की वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं, और सुपर टेट तो देखने को मिलेगा ही, वो भी आपका सीटेट से ही होकर जाएगा। इसका मतलब सीटेट दिसंबर के बाद से आपको बहुत सारे एग्जाम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इस चीज को ध्यान में रखना कि अगर आपको 90 नंबर है आपके पास तभी जाकर आप दूसरे भी स्टेट वाले एग्जाम्स दे सकते हो, अदरवाइज आप केवल अपने ही स्टेट का प्लस KVS वो दे पाएंगे, ठीक है। और PRT TGT PGT हर एक लेवल पे आएगी, तो इसमें केवल DLED वाला नहीं, BED वाला भी भर सकता है जब भी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।